I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आसिम फुली अपडेट गेम्स की जानिब से आज हम बात करने जा रहे हैं GTA San Andreas अल्ट्रा ग्राफिक लो पीसी गेम के बारे में। ठीक है, इसमें आपको ग्राफिक्स अच्छे मिलेंगे और लो पीसी पे 100% ये वर्क करेगी। ठीक है, पर वीडियो जो है आपने पूरी देखनी है। ठीक है, और इसके अंदर आपको मैंने स्पोर्ट्स कार दी हैं बहुत प्यारी प्यारी, अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ और उसके बाद आपको चीट मेन्यूज़ के बारे में इसके बताता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोगों ने इसकी सेटिंग को समझना है। ठीक है, अब मैं इधर एस्केप कर देना है आपने, एस्केप करने के बाद यहाँ पर आपने प्रेस करना है शिफ्ट और एंटर। ठीक है, एस्केप कर देना है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपके सामने शैडो एनेबल लिखा हुआ रहा होगा। ठीक है, या आपने इस पर टिक कर देना है और ये आपने इसको ऑफ कर देना है शैडोस को। ठीक है, उसके बाद आपने बैक आ जाना है, बैक आने के बाद आपने ऑप्शन में आ जाना है गेम के। ठीक है, ऑप्शन में आने के बाद इधर आपको डिस्प्ले सेटअप नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर आ जाना है। इस पर आने के बाद आपने आ जाना है एडवांस्ड। ठीक है, आपने इस पर आ जाना है, उसके बाद यहाँ पर वेरी हाई हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपने इसको कर लेना है, अगर आपके पास गेम अटके तो आपने यहाँ से लो कर लेना है इसको। ठीक है, या मीडियम कर लेना है, नॉर्मल चेक कर लेना है जिस पे आपकी गेम बेहतर चले। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ गेम प्ले की तरफ, यार गेम प्ले आपको दिखाऊँ, फिर उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन का तरीका बताता हूँ इसका। वीडियो को आपने पूरा देखना है, वीडियो को इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी। तो ये देखें टोटली ऑल टू ऑल स्पोर्ट्स कार हैं इसमें। यहाँ पर अभी मैं आपको सारी एक एक करके सारी गाड़ियाँ दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने 7 को प्रेस करना है, उसके बाद आपके सामने चीट मेन्यू ओपन हो जाएगा कार्स वगैरह का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये कार है, ये कार है, ये वाली कार है, ये भी है और ये कार है एक। तो ये देखें ये वाली कार चेक करें, मुझे ये वाली कार बहुत पसंद है। और दूसरा इसमें आपको एक चीट मेन्यू मिला है कंट्रोल और सी से। ठीक है, यहाँ पर आप कंट्रोल और सी को प्रेस करेंगे आपके पास वेपन्स आ जाएंगे। ठीक है, वेपन्स में आ जाना है आपने। इसमें आपको टोटली GTA 5 की ड्राइविंग मिली है और उसके अलावा इसमें GTA 5 के आपको वेपन्स वगैरह मिले, राइफल AK-47। तो ये देखें गन, गन को आप देख सकते हैं ये। इसमें आपको और भी बहुत सारी गाड़ियाँ मिलेंगी, इसके अलावा भी मैं आपको दिखा दूँ और भी बहुत सारी खूबसूरत गाड़ियाँ हैं इसमें। ये देखें, और इसमें आपको फर्स्ट पर्सन मोड भी दिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पर आप वी को प्रेस करोगे तो ये फर्स्ट पर्सन मोड ऑन हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं अपने पीसी में।
तो सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स ये है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी हर न्यू से न्यू वीडियो मिलती रहे। अब मैं आपको बताऊंगा आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं अपने पीसी में। मैं जस्ट अपनी वीडियो के नीचे एक लिंक दूंगा, उस पर आपने वन क्लिक करना है। आप आ जाएंगे मेरी ब्लॉगर वाली वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेम आ गई है, ठीक है। और ये इसका सारा मोड इंस्टॉल लिखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ आपने गेम आपने इसको डाउनलोड करके अपनी गेम के अंदर कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट कार्स हैं इसमें, ठीक है। उसका जो चीट मेन्यू 7 से ऑन होगा, ठीक है। और ये इसका चीट मेन्यू है एक, और ये कंट्रोलर सी से ऑन होगा। और टोटल जो साइज़ है इसका 900 MB में, ठीक है। और ये इसका डाउनलोड लिंक है। आपने क्या करना है, डाउनलोड लिंक पर जस्ट वन क्लिक करना है। उसके बाद इधर आपके सामने दो लिंक आ जाएंगे, एक गूगल ड्राइव का है और एक मेगा का है, ठीक है। अब मैं करता हूँ गूगल ड्राइव के लिंक से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर डाउनलोड लिखा आ रहा है। आपने क्या करना है, डाउनलोड पर वन क्लिक कर देना है। उसके बाद इधर डाउनलोड एनीवे कर देना है आपने, तो ये देखें ये आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। तो जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगी तो विनरार की फाइल आ जाएगी। आपने क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। एक्सट्रैक्ट हेयर करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा फोल्डर। आपने क्या करना है, इसको टोटली फोल्डर को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको आपने अपनी गेम के अंदर पेस्ट करना है, ठीक है। अब जैसे मेरी गेम पड़ी है जे ड्राइव में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गेम सेटअप, और ये मेरी गेम पड़ी हुई है, ठीक है। इसके अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना। मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है मूड, बट मैं आपको रिप्लेस करके चला के आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कोई फेक वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखें रिप्लेस आ रहा है मेरे पास। आपके पास रिप्लेस एक ही बार आएगा, वो भी एंड पर जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं मूड इंस्टॉल हो गया, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर आपके पास विंडो 7 है या विंडो 8 है, ठीक है, तो आपने इस आइकन से गेम को प्ले करना है। अगर आपके पास है विंडो 10, तो आपने इधर रन एडमिन फॉर ENV से आपने गेम को प्ले करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ से अपनी गेम को प्ले करने लगा हूँ, ठीक है। यहाँ से ओपन करते हैं। अक्सर ऐसा होता है पहली बार में अगर हम क्लिक करते हैं तो गेम नहीं चलती, तो आप गेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेम 100% ओके। तो यहाँ से अब मैं इसको स्टार्ट और ये न्यू, तो ये देखें ये गेम हमारी प्ले हो गई है। और आपको मैंने सेटिंग के बारे में समझाया था, ठीक है। अगर आपके पास गेम अटके तो आपने यहाँ से क्या करना है, शिफ्ट और एंटर को प्रेस करना है। एंटर को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आकर आपने शैडो को ऑफ़ कर देना है, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद आपने शिफ्ट और एंटर बैक करना है, फिर आपने आ जाना है गेम में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरत खूबसूरत गाड़ियाँ हैं, टोटली ऑल टू ऑल। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।